आज हम अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल डिप्टी कमिश्नर की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे इन्हें मैंने क्यों चुना, पर यह शख्स है चुनने लायक। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को लेकर आया हूं, तालो पोतम। आप इन्हें फनी बुला सकते हैं, इनकी हरकतों को कॉमेडी बुला सकते हैं, आप इनसे प्यार कर सकते हैं, इनसे नफरत कर सकते हैं, इन्हें धिक्कार सकते हैं, पर एक बात तो तय है, आप इन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। अपने अलग अंदाज और जोड़ी पर्सनालिटी से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिलों तक पहुंचने वाला ये अफसर अपने आप में ही एक पूरी अदा है। इन्हें आपने लोगों को फटकार लगाते भी देखा होगा, आपने इन्हें सौ गुदुम से भी बात करते देखा होगा, इन्होंने लिपस्टिक आंटी को भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट किए हैं, उसे भी आपने देखा होगा। चलिए, इससे पहले कि हम तालोपोतम के बारे कुछ भी टिप्पणी करें, उनकी जिंदगी को और थोड़ा करीब से जानते हैं। तालोपोतम की कहानी भी बहुत सारी ट्विस्ट्स और सरप्राइजेस से लहेज हैं, बहुत अच्छे। लेकिन वैसे एक बात है, कुछ लोग इनकी कम्युनिटी को लेकर भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें भी आज दूर कर देते हैं। इन्हें कोई क्योंकि निशी समझते हैं, कोई इन्हें गालो समझता है। इसका कारण भी है, और वो कारण है उनका नाम। इनके नाम में तालो निशी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और पोतम गालो कम्युनिटी को। ऐसे तो तालो सरनेम हमारे आदि कम्युनिटी में भी पाए जाते हैं। एक्स मिनिस्टर तपांग तालो को तो आप जानते ही हैं। हाँ, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, एक में टी ए एल ओ है, दूसरे में टी ए एल ओ एच। अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि मैंने कहा, पोतम गालो कम्युनिटी का एक सरनेम है जो वेस्ट सियांग जिले के दारक सर्कल में खास करके पाए जाते हैं। और हाँ, दारक से याद आया, यहाँ एक जादुई पत्थर का बसेरा है जिसे बेंजिलिने कहते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर ने कुछ 5 या 7 पत्थरों को जन्म दिया था। किसी और एपिसोड में हम बेंजिलिने पर भी बात करेंगे, फिलहाल चलिए तालो पोतम साहब को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कह रहा था, पोतम गालो कम्युनिटी का एक सरनेम है, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये निशी है या गालो। तो क्लियर कर लीजिएगा, तालो पोतम साहब का सरनेम तालो है और उनका नाम पोतम है, मतलब पोतम साहब निशी कम्युनिटी से हैं। यहां पोतम साहब की कम्युनिटी का जिक्र मैं सिर्फ उनकी आइडेंटिटी में क्लैरिटी लाने के लिए कर रहा हूं, वरना इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वे है हमारे कैपिटल के डीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालो पोतम क्रादादी जिले से ताल्लुक रखते हैं। ये अपने समय के फर्स्ट अमंग इक्वल्स में गिने जा सकते हैं। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रख के जिस परिवार ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा हो, उन्होंने करीब 500 किलोमीटर दूर तब के सुबनसिरी जिले से सियांग जिले के आलो शहर के रामाकृष्ण मिशन स्कूल से पढ़ाई की, वहां उन्होंने दाखिला लिया। ये आज के दिन के लिए बहुत ही आम बात हो सकती है, पर उन दिनों के लिए जब रास्ते ज्यादातर जंगल थे, कई मील पैदल चलना पड़ता था और गाड़ियों की कमी थी, उस वक्त के लिए ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर दृढ़ता, जुनून और जज्बा हो। ये बताते हैं कि उनके पिता हमेशा उनके समर्थन किया करते थे। उनका कहना था कि भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे को अफसर बना के ही छोड़ूंगा। सिर्फ ये एक चीज जो है, पिताजी हमेशा बोला करता था, उनका जो ऑफिसर था, मेरा बेटा को तो एक ऑफिस बनाएगा, तो वो हमेशा अपना कून को भी बेचेगा लेकिन मेरा बेटा को ऑफिस बनाएगा। तो ऑफिसर बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोला कि ऑफिस बनाएगा। तो मैं तो बहुत मिस करता हूँ पिताजी को, क्योंकि मेरा क्लास 12 में वो गुजर गया। एक अशिक्षित व्यक्ति की इस मानसिकता की भी हमें दाद देनी पड़ेगी। पोतम साहब कहते हैं कि उनके जीवन में अनुशासन के बीज को रामाकृष्ण मिशन स्कूल आलो ने बोए थे। मजाक मजाक में कहते हैं कि उन्हें इतने अनुशासित यानी डिसिप्लिन बनाकर उस स्कूल ने उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से दूर रखा। उन्हें कोई बुरी आदत नहीं है, ना कोई शराब पीते हैं, ना वो तंबाकू करते हैं, ना सिगरेट पीते हैं। वैसे पोतम साहब, इन आदतों से, इन बुरी आदतों से मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। कभी कभी गुस्सा भी आता है हमें, ये जो आजकल का दिन में अनसक्सेसफुल इंजीनियर रहा, क्योंकि हम जो आरके मिशन में जो पढ़ाई किया, एक प्रिंसिपल था स्वामी विवेकानंद का टीचिंग्स प्रीचिंग्स को लेके, तो ये आम जो अभी का सोसाइटी में वो अनक्वालिफाइड हो जाता है थोड़ा। वैसे तालो पोतम साहब की किस्मत भी बहुत अच्छी रही, उन्हें उस समय उनके पिताजी से पिता मिले, वरना उस समय के कितने पिता इतने जागरूक होंगे। और अपनी किस्मत पर पोतम साहब को बहुत नाज भी है। नॉर्थईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नेरिस्ट जो निजुली में है, वहाँ से उन्होंने डिप्लोमा की, और डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग को ही अपना करियर चुना। फिर उन्होंने डिग्री की और असिस्टेंट इंजीनियर भी बने पीडब्ल्यूडी के।
और सचमुच किस्मत का खेल देखिए, आज वे एक आईएएस अफसर हैं। अपनी पढ़ाई के खत्म होने के साथ साथ 1992 यानी 1992 में उन्हें नौकरी लग गई। फिर 1994 में उन्होंने पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन किया। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर रहे। फिर डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के काम को संभालने के लिए उन्हें स्टेट ऑफिसर कम मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। 2011 में वे चीफ स्टेट ऑफिसर बने और फिर 2021 में इंटरव्यू के बाद उन्हें 2016 बैच आईएएस नॉमिनेट किया गया। बहुत ही सरल और दिलचस्प सफर है उनका। पोतम साहब है बहुत ही हंसमुख इंसान, पर जब नियम पर उतर आते हैं ना तो हंसते हंसते अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर देते हैं। मैंने उनको होठों पे मुस्कान लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराते देखा है। अगर आप इनकी वीडियोस को देखकर इन्हें फलके में लेते हैं तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। ये जो बचकाने जैसी हरकतें करते हैं, ये उनका टैक्टिक है लोगों से डील करने का। मैं ऐसा मानता हूं, ये लोगों की भाषा को समझते हैं और उन्हें उन्हीं भाषा में जवाब देते हैं जिस भाषा की उन्हें समझ आती है। ईटानगर कैपिटल रीजन में जितने भी एविक्शंस उनके अंदर हुए, उस दौरान उन्हें न जाने कितनी गालियां मिली, कितनी बददुआ मिली, पर जीरो रिस्पॉन्स, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और पहले से ही वे तैयार हैं कि किस तरह का रिएक्शन आने वाला है। मेरी नजर में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफिसर्स इन अरुणाचल प्रदेश दैट वी हैव सीन टिल टुडे एटलीस्ट। दाद देता हूं मैं उनकी। ये हमारे लोगों की मानसिकता को भली भांति समझते हैं, ये आज की पीढ़ी को भी समझते हैं और उनके बापों को भी समझते हैं। इनफैक्ट जिस टैक्टिक से वे लोगों को हैंडल करते हैं उससे कोई भी समस्या बड़े आराम से सॉल्व हो सकती है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद और ये बातें कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं कि मैं किसी भी अधिकारी को कमजोर समझता हूँ या उन्हें इन्फीरियर दिखाना चाहता हूँ। इनफैक्ट वी हैव हैड सम ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर्स एज द कैपिटल डीसी। मैं बस एक यूनिक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, उनका जिक्र कर रहा हूँ। मैंने अपने इस विश्लेषण को द फेमस टॉक शो ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर द टाइसन टॉक शो से लिया है। उस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। उस शो में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं और हिस्से लेते हैं, इंटरव्यूज होती हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं। अगर समय सही रहा तो द टाइसन टॉक शो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, हमने देखा हर मुश्किल को हम जीत सकते हैं, बस हमें चाहिए लगन और चाह, रात तो खुद ब खुद बन जाएंगी। बस सही समय में सही दाव, यही किस्मत कहलाता है। कभी समय निकल जाता है तो कभी हम दाव चूक जाते हैं, वही हमारी किस्मत फूट जाती है। परिश्रम और किस्मत के हाथों सजे इस शख्स के लिए हम दुआ करते हैं। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और हमें हंसाते रहिए। और अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।